Hello students, today I am going to discuss with you about the sulfonamides and this is our second video on sulfonamides. इसके पहले वाले वीडियो में बच्चों हमने सल्फोनामाइड्स के केमिकल स्ट्रक्चर को देखा था और वहाँ पे हमने उसका क्लासिफिकेशन देखा था, उसकी एंटीमाइक्रोबियल स्पेक्ट्रम के बारे में हमने स्टडी की है और वहीं पे हम लोगों ने फार्माकोकाइनेटिक्स को भी देखा था। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को, ड्रग इंट्रैक्शन को, एडवर्स इफेक्ट को एंड थेरेप्यूटिक यूजेस को। तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि सल्फोनामाइड्स जो होता है बच्चों वो डेरिवेटिव्स होता है पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनामाइड्स का। किसका? पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनामाइड्स का। दूसरा पॉइंट ये है बच्चों कि सल्फोनामाइड्स जो है वो स्ट्रक्चरल एनालॉग्स है किसका? पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड। किसका? पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड। पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चरल एनालॉग्स का मतलब क्या होता है बच्चों कि अगर आप सल्फोनामाइड्स को देखें और पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड को देखिए तो दोनों के स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटीज मिलेंगी। तो इसीलिए सिमिलैरिटीज मिलेंगी, एक जैसा दिखेगा तो आप उसको कहते हो स्ट्रक्चरल एनालॉग्स। क्यों इस पॉइंट को समझाया हमने, हम उसको नीचे की तरफ देखते हैं। हमने बताया है कि सल्फोनामाइड्स जो होता है वो बैक्टीरियो स्टैटिक होता है, यानी बैक्टीरिया के ग्रोथ एंड रेप्लिकेशन को रोकने का काम करता है। अब क्या होता है बच्चों कि बैक्टीरिया को अपने ग्रोथ के लिए फॉलिक एसिड की जरूरत है। ये फॉलिक एसिड बैक्टीरिया खुद से सिंथेसाइज करता है, बाहर के फॉलिक एसिड को वो यूज नहीं कर सकता है। तो अब बैक्टीरिया कैसे उसको सिंथेसाइज करता है उस स्टेप्स को देखना है। डाइहाइड्रोटेरिडीन मॉलिक्यूल होता है, ये पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड के साथ कंबाइन करता है इन प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम विच इज नोन एज डाइहाइड्रोटेरोइक एसिड सिंथेटेज, जिसको कि आप फॉलिक एसिड सिंथेटेज भी बोलते हैं। इस एंजाइम के प्रेजेंस में ये दोनों मॉलिक्यूल कंबाइन करके बनाते हैं डाइहाइड्रोटेरोइक एसिड। अब इस डाइहाइड्रोटेरोइक एसिड में जब ग्लूटामेट ऐड कर दिया जाता है बच्चों तो डाइहाइड्रोफॉलिक एसिड का सिंथेसिस होता है एंड दिस डाइहाइड्रोफॉलिक एसिड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम विच इज नोन एज डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। इस एंजाइम के प्रेजेंस में टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड का सिंथेसिस होता है। अब जब ये टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड बन गया बच्चों तो ये एक्ट करता है एज अ कोएंजाइम्स। जैसे ही वो कोएंजाइम्स की तरह एक्ट करता है न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिक बेसिस को वो कन्वर्ट कर देता है डीएनए आरएनए या एमिनो एसिड्स जो भी हैं उनको यूज करके वो प्रोटीन्स के सिंथेसिस को प्रोटीन को बनाता है ताकि आगे का फर्दर ग्रोथ और रेप्लिकेशन का प्रोसेस कंटिन्यू किया जाए। यानी प्रोटीन बन गया तो फंक्शनिंग होना शुरू हो गया, दूसरा डीएनए आरएनए वगैरह बनना शुरू हो गया तो रेप्लिकेशन प्रोसेस वगैरह सब कुछ यहाँ पे स्टार्ट हो गया। तो ये नॉर्मल स्टेप्स है बच्चों। अब हमने क्या बोला था कि सल्फोनामाइड्स जो है वो किसका एनालॉग्स है? पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड का। यानी ये सल्फोनामाइड्स आप जैसे ही देते हैं तो वो अपने को पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड के पोजीशन पे सेट कर लेता है और जैसे ही ये पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड के पोजीशन पे आता है बच्चों इट विल कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट डाइहाइड्रोटेरोइक एसिड सिंथेटेज या फॉलिक एसिड सिंथेटेज को वो कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट कर देता है। अब जब ये कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, नीचे का कोई भी स्टेप्स कंटिन्यू नहीं हो पाएगा और फॉलिक एसिड का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। अगर फॉलिक एसिड बैक्टीरिया के अंदर नहीं बनेगा बच्चों तो उसका ग्रोथ और रेप्लिकेशन प्रोसेस। सो दिस इज व्हाट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सल्फोनामाइड्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यहाँ पे मैं आपसे कुछ नोट्स शेयर करना चाहता हूँ। क्या नोट है अपना? ये की नोट है बच्चों, ह्यूमन बॉडी फॉलिक एसिड को बाहर से यूज कर सकता है। सपोज कीजिए डाइट है, आपने डाइट से लिया फॉलिक एसिड आपको मिला, आप उस फॉलिक एसिड को यूटिलाइज कर सकते हैं, हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन बैक्टीरिया में ये पॉसिबिलिटी नहीं है। बैक्टीरिया खुद के सिंथेसाइज्ड फॉलिक एसिड को ही यूज कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है,
क्या सल्फोनामाइड्स एक एंटीबायोटिक है? द आंसर इज नो, क्योंकि मैंने पिछली बार भी बताया था कि सल्फोनामाइड्स जो होता है बच्चों ये सिंथेटिक एंटीमाइक्रोबियल एजेंट है, तो हम इसको एंटीबैक्टीरियल बोल सकते हैं लेकिन हम इसको एंटीबायोटिक्स नहीं बोल सकते। थर्ड पॉइंट पस, कई बार कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि क्या पस के प्रेजेंस में सल्फोनामाइड वर्क करेगा। द आंसर इज बच्चों नो, क्यों? क्योंकि पस जो होता है बच्चों उसमें पैराअमीनोबेंजोइक एसिड फुल अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और जब पूरे अमाउंट में प्रेजेंट होता है तो वहां पे सल्फोनामाइड्स इसको रिप्लेस नहीं कर पाता है, और फाइनली क्या होता है कि सल्फोनामाइड की एक्टिविटी पस फॉर्म्ड एरिया में यानी जहां पे मवाद होगा उस जगह पे ये काम नहीं करता। नाउ नेक्स्ट मूविंग टू द ड्रग इंट्रैक्शन, यानी अगर आप सल्फोनामाइड्स को ले रहे हैं तो ड्रग दूसरे ड्रग के इफेक्ट के ऊपर क्या उसका इफेक्ट पड़ रहा है वो हमें देखना है। नाउ मूविंग टू द सल्फोनामाइड्स अगर आप यूज करते हैं बच्चों देते हैं तो कुछ ड्रग्स के एक्टिविटीज पोटेंशिएट कर जाते हैं, जैसे हो गया फेनेटोइन का हो गया, मेथोट्रेक्सेट हो गया, ओरल एंटीकोगुलेंट हो गया, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट हो गया। कैसे ये इफेक्ट उसका पोटेंशिएट हो रहा है? बिकॉज इन ड्रग्स के मेटाबॉलिज्म को ये इनहिबिट करता है। कैसे? यहाँ पे एक मैकेनिज्म है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द एल्बुमिन। आप पढ़े होंगे प्रोटीन्स होते हैं उसी में एक एल्बुमिन भी है, तो वहां पे बाइंडिंग वगैरह होता है और उसके बाद वो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के लिए प्रोसीड करता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ही मेटाबॉलिज्म इनहिबिट किया जा रहा है बच्चों, तो मेटाबॉलिज्म इनहिबिट हो जाएगा तो इसका मतलब ड्रग अपने नॉर्मल स्ट्रक्चर में ही रहेगा, एक्टिव फॉर्म में रहेगा, और वो क्या करेगा इफेक्ट को जनरेट करेगा, तो उसके इफेक्ट को पोटेंशिएट कर देता है। नाउ नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंट एडवर्स इफेक्ट? नौजिया, वॉमिटिंग, एपिगैस्ट्रिक पेन, हाइपर सेंसिटिविटी, हेपेटाइटिस एंड हीमोलाइसिस, दीज आर व्हाट योर एडवर्स इफेक्ट। नाउ मूविंग टू द थेरेप्यूटिक यूज, मोस्टली जनरली देखा जाता है बच्चों सल्फोनामाइड्स को अलोन यूज नहीं करते हैं। बाय अलोन यूज नहीं करते हैं क्योंकि बैक्टीरिया जो है आज के डेट में वो बहुत तेजी से रेजिस्टेंट होते जा रहे हैं, तो मैक्सिमम केसेस में रेयरली इसको यूज किया जाता है अलोन, मैक्सिमम टाइम इसको कॉम्बिनेशन में ही यूज करते हैं। जैसे क्या है, सल्फोडॉक्सिन को पाइरिमिथामाइन के साथ यूज करते हैं अपन बच्चों क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट मलेरिया के केस में। नेक्स्ट आ जाइए, सल्फर डाइजिन को पाइरिमिथामाइन के साथ यूज करते हैं अपन टॉक्सोप्लाज्मोसिस के केस में। नेक्स्ट आ जाइए, सल्फोमेथॉक्साजोल को अपन यूज करते हैं ट्राइमेथोक्राइन के साथ इन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। नेक्स्ट आ जाइए, नो कार्डियोसिस के केस में अपन सल्फर डाइजिन को यूज करते हैं। सल्फा एसिटामाइड को यूज किया जाता है ऑप्थेल्मिक इन्फेक्शन के केस में। सिल्वर सल्फा डायाजीन को यूज किया जाता है बच्चों अगर इन्फेक्शन बर्न वगैरह से है या ऊंड वगैरह से है, तो वहां पे सिल्वर सल्फा डायाजीन यूज किया जाता है। इसके डोज जो थे वो हमने अपने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया। सो ये आपको पूरा डिटेल है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ड्रग इंट्रैक्शन, एडवर्स इफेक्ट एंड थेरेप्यूटिक यूज का। सो दिस इज ऑल From my side for today, thank you.